ये हम आए हैं यहाँ लाइफ लाइन सिस्टम के बारे में जानते हैं। यहाँ पे बिल्डिंग में ऊपर में हाइट वर्क का काम है, उसके उसके लिए लाइफ लाइन यूज़ किया जाता है। तो लाइफ लाइन यूज़ करने में कौन कौन सी सावधानियाँ और क्या क्या यूज़ होता है उसके बारे में आज बात करते हैं। ये हमारे एक साथी हैं, उनसे बात करते हैं। और यहाँ देखिए कुछ वर्कर्स लोग लाइफ लाइन को बांध रहे हैं और इसको क्या सिस्टम है उसके बारे में बात करते हैं। आइए कुछ बताएँगे लाइफ लाइन के बारे में। अभी जो ये बिल्डिंग पे स्लैब का काम चालू हुआ है तो एज प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग लाइफ लाइन का यूज कर रहे हैं। क्यों अभी हम हार्ड बैरिकेशन नहीं दे सकते हैं अभी हमको, ये क्योंकि बार बार इसको खोलना पड़ेगा, जैसे बीम वीम डाउन होगा इसको खोलना पड़ता है। तो अभी हम लोग लाइफ लाइन दे रहे हैं गिरने से बचने के लिए। लाइफ लाइन मेनली सेफ्टी बेल्ट एंकरेज करने के लिए दिया जाता है, एंकरिंग करने के लिए दिया जाता है। और क्या कुछ बताएँ, ये रोप वायर रोप है, वायर रोप है ये 10, ये तो अलग अलग MM का आता है, जो अभी हम लोग के साइड पर यूज हो रहा है वो 10 MM का। लाइफ लाइन की जो मैक्सिमम लेंथ होता है वो 24 मीटर होता है, मैक्सिमम लेंथ 24 मीटर होता है। लाइफ लाइन लगाने का एक प्रक्रिया है, बीच में आएंगे तो बता दूँ। ये हम लोग चलते हैं उधर थोड़ा सा और देखते हैं क्या सिस्टम है, ये प्रक्रिया क्या है, इसमें क्या क्या यूज़ होता है, इसको क्या बोलते हैं। ये जो लगा है ये बोल्ट, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, इसके बारे में कुछ बताएंगे। सर इसको ये जो यू लाइफ लाइन के लिए जो बोल्ट यूज़ किया जाता है, यू क्लैंप होता है, ये क्लैंप। लाइफ लाइन लगाने के लिए सबसे पहले हमको एक वर्टिकल लेके इसमें टी पाइप मारना पड़ता है। ये टी पाइप मारने के बाद इसमें से लाइफ लाइन को एंकरिंग करते हुए हम लेके जाएंगे इसका। अच्छा, ये यू इसको क्या बोलते हैं, यू क्लैंप। हाँ, यू क्लैंप लगाने का भी एक फॉर्मूला है। हाँ, टी इंटू सिक्स मतलब डाया इंटू सिक्स। अगर लाइफ लाइन का डाया 10 MM है तो इसको 6 से गुना कर देंगे तो 60 होता है। हाँ, तो एक यू क्लैंप से दूसरे यू क्लैंप का दूरी 10 MM के रूप में 60 MM रहेगा। अच्छा, इसमें जो जानने वाली बात है, इसमें लाइव लोड कौन सा आएगा, लाइव लोड किस में आएगा, डेड लोड कौन सा है। लाइव लोड जिसमें आप बेल्ट एंकरिंग कर रहे हैं। हाँ, वो लाइव लोड, लाइव लोड होगा। डेड लोड जिस तरफ से यू क्लैंप मारा गया है ये 150 MM छोड़ा जाता है। ये आप ये जो हाथ में आप देख रहे होंगे ये हो गया डेड लोड, इसको डेड लोड बोलते हैं। एक लाइफ लाइन को दूसरे लाइफ लाइन में एंकरिंग करने में, लाइफ लाइन देखिए, लाइफ लाइन यहाँ से एक लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन ज्वाइंट करने के लिए मैक्सिमम हम 3 मीटर ही यूज करेंगे। अब जैसे कि यहाँ आप देख लिए, इसमें कोई आपको दिक्कत है तो बताइए, मैं फिर से बता सकता हूँ। नहीं, ये तो वायर रोप है, यहाँ तो क्लैंप लग गया है। ओके, यहाँ इधर से लाइन देखिए इधर जा रहा है, ये 3 मीटर पे है शायद, ये बता रहे हैं ये 3 मीटर पे है। यहाँ देखिए ये देखिए बोल्ट यू क्लैंप लग रहा है, ये 60 MM पर हम लोग यू क्लैंप लगा रहे हैं। यू क्लैंप का हमेशा जो डायरेक्शन रहेगा वो लाइव लोड के तरफ हम उसका वाशर और बोल्ट करेंगे। मेन रूप से यही चीज़ जानने वाला होता है तो ही इसमें आपका जो बेल्ट एंकरिंग जो भी भाई हमारे करेंगे उनका वेट ये गिरने से ये बचा सकता है। अच्छा, मेनली इसका हाइट पे काम करने के लिए इसको यूज किया जाता है। हाइट पर काम करने के लिए किया जाता है जब तक कि कोई परमानेंट ना हो। परमानेंट चीज़ अगर इसमें हमको एक समय बाद ये लाइफ लाइन खोल के हमको हार्ड वेरिफिकेशन देना है, लेकिन अभी जो है लाइफ लाइन दे रहे हैं। चलिए ठीक है, और कुछ बातें अगले वीडियो में करेंगे हम लोग। धन्यवाद।